जब दिल्ली के कढ़ी चावल की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम आता है गब्बर कढ़ी चावल का। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कभी ना कभी आपने यहाँ पे कढ़ी चावल जरूर खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि गब्बर के मशहूर कढ़ी चावल आखिर बनाए कैसे जाते हैं, और वो भी कंप्लीट डिटेल में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए गाइस, पानी डाला जा रहा है और आप साइज देखिए कितने बड़े पोर्शन में बनने वाली है। जीरा, काली मिर्च, धनिया और इसमें सरसों का तेल दिया जा रहा है। इसका तड़का लगेगा, तो तड़का देखिए गाइस तैयार हो चुका है। अब ये खड़े मसाले का तड़का ये डाला जा रहा है इस पानी जो हमने लिया था उसके अंदर। काली मिर्च डाली जा रही है अब इसके अंदर, और इसके बाद देखिए अब इसमें मिर्च डाली जा रही है, और अब देखिए इसमें डाला जा रहा है पालक। और गाइस देखिए पालक डालने के बाद अब इसमें धनिया डाला जा रहा है, अदरक के लच्छे डाले जा रहे हैं इसके अंदर, और अब ये क्या डाला जा रहा है इसमें, मेथी पत्ता। सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से मिलाई जा रही हैं, और देखिए अब इसके अंदर नमक डाला जा रहा है। और गाइस इतने बड़े पोर्शन में तैयार होती है लेकिन स्वाद फिर भी कंसिस्टेंट है। मैं खुद यहाँ पे 8-10 बार खा चुका हूँ, हर बार वही टेस्ट आता है। तो ये देखिए गाइस कोई ऑलमोस्ट 5 थैली नमक की डाल दी गई है इसमें। आधा घंटा हो चुका है गाइस, पानी अच्छे से गर्म हो चुका है मसालों के साथ, और अब इसमें देखिए छाछ डाली जा रही है। जो छाछ और बेसन मिक्स है वो इसके अंदर डाला जा रहा है। तो ये देखिए गाइस एक और ड्रम डाल दिया गया इसके अंदर, तो 2 पूरे ड्रम भर के इसके अंदर डाल दिए गए छाछ और बेसन मिक्स के। और आप क्वांटिटी देखिए कितनी बल्क में बनाया जा रहा है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में बनाई जा रही है कढ़ी यहाँ पे। और नॉर्मल कढ़ी नहीं है इसके अंदर, आप पालक भी है, हरा धनिया भी है, मेथी भी है। और गाइस भगोना इतना बड़ा है कि इसमें पलटना फिराने में भी इतनी ताकत लगानी पड़ रही है। और अब देखिए गाइस इसके अंदर हरी मिर्ची डाली जा रही है साबुत, और अभी इसके अंदर और छाछ डाली जा रही है। इसके अंदर पूरी अमूल मक्खन की टिक्की डाल दी गई है, और एक टिक्की से काम नहीं चलने वाला है। ये देखिए एक और डाल दी गई है, और ऐसे ही 4 टिक्की पूरी अमूल मक्खन की इसके अंदर डाली जाएगी। और गाइस मुझे लगा था 4 टिक्की से काम चल जाएगा बटर की, लेकिन नहीं, ये देखिए 1/2 किलो की स्लैब और आ रही है। तो छाछ इसमें पहले ही डाल दी जा चुकी है, और छाछ के बाद अब इसमें पूरा का पूरा एक दही का डाला जा रहा है। अब ये क्या डाला जा रहा है भैया इसमें, सेंधा नमक। सब कुछ डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिलाया जा रहा है, पलटना इसमें चलाया जा रहा है, और लगातार इसी तरीके से 2 से 2.5 घंटे इसे पलटना चलता रहेगा। कोई ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है इसे पकते हुए, और अब देखिए कढ़ी में उबाल आ रहा है। आधा भगोना भरा हुआ था, और अब देखिए उबाल उबाल के पूरा भगोना, इतना बड़ा पूरा भगोना ऊपर तक आ चुकी है कढ़ी। और अभी भी गाइस कोई 1 घंटा इस कढ़ी को पकाया जाएगा, जितना झाग इसमें बना है ये सारा झाग जब खत्म हो जाएगा तब कहीं जाकर अपनी कढ़ी पकके तैयार होगी। 2.5 घंटे तो ऑलरेडी पकते पकते हो चुके हैं कढ़ी को, तब से काढ़ी जा रही है। और आज हमें भी समझ में आ गया कढ़ी को कढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी देर तक लगातार इसे काढ़ा जाता है। तैयार हो गई है, तो गाइस 3 घंटे लगे इसे पकने में, और अब फाइनली अपनी कढ़ी पक के तैयार हो चुकी है। इतनी भी कढ़ी बनी है, इस सबको ड्रम्स में भरा जाएगा। तो आप देखिए कितने सारे ड्रम्स है, ये सारे ड्रम्स यहाँ से फिर जाएंगे शॉप पर, और वहाँ पे भी पूरे दिन ये कढ़ी पकेगी। तो देखिए गाइस पूरा भगोना कढ़ी का खाली किया जा चुका है ड्रम्स में। अब ये चावल डाला जा रहा है, और भैया चावल कितना है ये, 30 किलो। तो गाइस ये टोटल 30 किलो चावल है जो यहाँ पे उबाला जाएगा, और इसमें इन्होंने हल्दी डाली हुई है पानी में पहले से ही। तो ये देखिए गाइस कोई 1/2 घंटा हो चुका है, चावल अपने पूरी तरीके से पक चुके हैं। अब ढक्कन अब सील कर दिया गया, और अब इसका पानी निकाला जाएगा चावल का, कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है चावल में वो सारा बाहर निकाला जाएगा। और ये भी आप देखिए कितना बढ़िया जुगाड़ है पानी निकालने का, वरना कितनी मेहनत करनी पड़ती चावल में से पानी निकालने में। तो गाइस देखिए पानी अब सारा निकाला जा चुका है इसमें से, और अब चावल नीचे उतारे जा रहे हैं। अब जो इसका ढक्कन सील किया था उसे खोला जा रहा है। तो देखिए गाइस चावल अपने पक के तैयार हो चुके हैं, और उसके ऊपर रिफाइंड डाला जा रहा है। भैया रिफाइंड किस लिए डाला जाता है चावल के ऊपर, चावल अलग अलग है। और अब देखिए चावल बाहर निकाले जाएंगे परात में, और देखिए अब कितने चावल हैं। ये देखिए गाइस बिल्कुल दानेदार, और अब इसे ठंडा किया जाएगा। पिछले कोई 1/2 घंटे से लगातार पलटना चल रहा है इन चावलों में भी, तो यहाँ प्लेन चावल बनाने में भी इतनी मेहनत है। तो गाइस 1/2 घंटा लगातार मेहनत करने के बाद चावल ठंडे हो गए हैं, और अब इन्हें भरा जा रहा है ड्रम्स के अंदर, जहाँ से जाएंगे शॉप। तो देखिए गाइस अब कढ़ी आ गई है शॉप में, यहाँ से सर्व की जाएगी लोगों को। अभी इसमें पकौड़ी भी डाली जाएंगी, ये आ गई है पकौड़ी, इसमें पकौड़ी डाली जा रही है। तो ये देखिए गाइस पकौड़ों के साथ लाल मिर्च भी डाली गई है। तो भैया तैयार हो गई है, और कुछ भी होगा इसमें भी तैयार है जी। तो अब ये ले गए सबसे पहले चावल, चावल के बाद ये देखिए कढ़ी आ गई है अपनी, जो भी हमने आपको बनते हुए दिखाई। इसे पकौड़े भी आ गई है, और फ्राइड मिर्ची भी आ गई है। इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज है, और ऊपर से मसाला डालना है, और ये है हरी चटनी जो दही